नमस्कार दर्शक बंधु, मु अभिषेक सामंतराय टी एन टी स्किल सेंटर रा दशम श्रेणी रा छात्र आपण मानको स्वागत करुछि आज रही अध्याय को। तो दर्शक बंधु, आज आम आलोचना करबा पई जाउछंती साहित्य व्याकरण रा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण विषय वस्तु जहाँकि एस ए टू दृष्टिकोण रु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण होबाक जाउछि। तो पाठटर नाम होउछि रूढ़ी। ये पाठटी मुख्यतः दुई गोटी भाव में विभक्त, प्रथम टी होची रूढ़ी, अन्यटी होची लोकवाणी। तेबे प्रथमे ओ आजर अध्याय रे आमे रूढ़ी संपर्क रे आलोकपात करिबा एवं परवर्ती वीडियो रे आमे लोकवाणी संपर्क रे अवगत हेबा। तो रूढ़ी कौन? आमर दैनंदिन जीवन रे पूर्वकाल मानक ठार आरंभ कर वर्तमान पर्यंत विभिन्न शैली रे विभिन्न भाषा रे आमे कथाबार्ता करितो, किंतु कथा कहिला मध्यरे किछि गुटी एपरी शब्द रहिछि, किछि गुटी एपरी वाक्यांश रहिछि जहाँ कि कथा कहिबार शैली को उन्नत धरणर करिथाय, कथाटिकु अत्यंत सुंदर भावरे परिप्रकाश करिबारे सहाय्य करिथाय। सेई भळि केतोटी पद को कुहा जाय रूढ़ी। तेबे याकु साहित्यिक भाषा रे कहिले कोन बुझा जाय ना, कौनसी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले यहाँ रूढ़ी कह जाए। अर्थात कौन सी गोटे शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी गोटे शब्दर अर्थ आगुरी किछ होइथाय, निर्दिष्ट शब्दर अर्थ रही थाए, किंतु से ही शब्द जेतेबेले निजस्व अर्थ छाड़ी अन्य किछि शब्दक सह मिसी एक भिन्न अर्थ प्रकाश करिथाए, स्वतंत्र अर्थ प्रकाश करिथाए, तेबे ताहाकु कहाजाए रूढ़ी। बुझिला? गोटे उदाहरण मध्यम बुझा। पाराग्राफ क, कौन ना झीओटी खूब सुंदरी, ता बाहागर पई तांको घर को केते लोक आसिले, से माने सबिता को पसंद कले, बाहागर स्थिर हला, शेषे झीओटी सहित पुओटीर विवाह हला। ये हला अनुच्छेद क। जीवा अनुच्छेद ख को, खरे कौन है ना रूढ़ी साहय अत्यंत सुंदर कर प्रथम आपण को कही दैनंदिन जीवन में व्यवहार कर भाषा को अधिक परिमार्जित करने अधिक सुगम्य करने अधिक सुंदर करने जो शब्द संगति को व्यवहार कराए साधारण भाषा कह जाए रूढ़ी। तेज द्वितीय अनुच्छेद कौन ना सबिता गोटाए चाउल गढ़ा, अर्थात झीओटी खूब सुंदरी अर्थ बदल रे सबिता गोटे चाउल गढ़ा रूढ़ीटी प्रयोग करागला। ताकू देखा को बर घर देखा आसला, झीओटीर रूप मन को पाइला, मन को पाइला गोटे रूढ़ी, बाहाघर स्थिर होला, शेषे पुओटी सहित झीओटीर हाथ गंठी पड़ा, जोटी पूर्व अनुच्छेद बाहागर हला द्वितीय अनुच्छेद हाथ गंठी पड़ा, अर्थात रूढ़ीर प्रयोग हला। उभय हाथ को दी हाथ हेले, अर्थात से मानकर विवाह संपन्न हला, हाथ को दी हाथ हेले एठारे मध्य रूढ़ीर व्यवहार होइछि। अर्थात पूर्व अनुच्छेद मध्य पढ़िले आमे तार वास्तविक अर्थ बुझी पारुथिले, किंतु द्वितीय अनुच्छेद रे सेई अर्थ आमको प्रकाश करिछि किंतु अधिक सरल भावरे, अधिक सुगम्य भावरे एवं मनोरंजन भावरे आमे द्वितीय अनुच्छेद रे जानि पारले। तेबे खूब सुंदरी गोटिए चाउल रे गढ़ा पसंद कले रूढ़ी रे कौन हला ना मन को पाइला, बाहागर हला रूढ़ी रे कौन हला ना हाथ गंठी पड़िला, बाहा हेले अर्थात हाथ को दी हाथ हेले। तबे गोटे उदाहरण नहीं पारिबा गोटे चाउल रे गढ़ा, उदाहरण कौन ना गोटे चाउल रे गढ़ा। तबे आपण माने जानिथिबे जे गोटे हो किंबा चाउल हो किंबा गढ़ा हो कौनसी भी शब्दर अर्थ सुंदरी बा सुंदर नुहे, गोटे हो चाउल हो किंबा गढ़ा हो कौनसी शब्दर अर्थ सुंदर बा सुंदरी नुहे, किंतु जेतेबेले तीनी गोटी शब्द मिसी जाउछंती सेतेबेले या अति सुंदर बा सुंदरी को इंगित करिथाय। तेणु एठारे तार संज्ञा दिगला जे कौन सी शब्द निजस्व अर्थ छाड़ी, अर्थात एठे चाउल किंबा गोटे किंबा गढ़ा अर्थ सुंदर नुहे, से निजस्व अर्थ छाड़ीदे एवं अन्य शब्द सहित मिसी स्वतंत्र अर्थ प्रकाश कले याकु रूढ़ी कह जाए। तेणु ये तीनोटी शब्द निजर मौलिक अर्थ को छाड़ी अन्य मानक सहित सहबंधित हो जो नूतन अर्थ प्रकाश कले कहुए रूढ़ी। आपण मैने बुझी सारे रूढ़ी कौन? तेबे ए रूढ़ी
साधारणतः तीन प्रकार मनरे प्रश्न उठिबो जे रूढ़ी केते प्रकार ना रूढ़ी साधारणतः तीन प्रकार ना कौन कौन ना प्रथम टे होची क्रियाहीन रूढ़ी। क्रियाहीन रूढ़ी कौन ना पद सहति रे क्रियापद न थाए अर्थात जो रूढ़ी रही जो पद सहति रही क्रियापद न थिबो अर्थात अंधर लौड़ी। अंधर लौड़ी रे कौन क्रियापद अच्छे एटारे कौन से प्रकार क्रियापद ना तेणु यह क्या क्रियाहीन रूढ़ी। द्वितीयटी होची क्रियाजुक्त रूढ़ी पद सहति रे क्रियापद जदि अच्छी अर्थात से रूढ़ी रे जदि किछि करिबार अर्थ को आम बुझौची ताकु कहा जाए क्रियाजुक्त रूढ़ी। बुझेगला ना क्रियाजुक्त रूढ़ी अहंता रखिबा अंधार को टेका पकाइबा अर्थात किछि गोटे काम करिबा भात खाइबा डाली पीबा अर्थात जेउठी किछि गोटे क्रिया पद सहति मध्यरे आसे ताकु कहा जाए क्रियाजुक्त रूढ़ी। जेउठी किछि क्रिया पद सहति बा रूढ़ी मध्यरे न थाए ताकु कहा जाए क्रियाहीन रूढ़ी। एवं तृतीयटे होची तुलनात्मक रूढ़ी अर्थात कंपेरिजनली बुझे ना पद सहति रे उपमावाचक शब्दर व्यवहार होता है अर्थात चंद्र परी सुंदर अर्थात चंद्र सदृश सुंदर एथारे चंद्रंकर उपमा दिया जाइछि। तेणु जोठी गोटे जिनिस सह अन्य जिनिस को तुलना करी जो रूढ़ी बा पद सहति गठित होइथाय ताहाकु कहा जाए तुलनात्मक रूढ़ी। बुझिएला क्रियाहीन रूढ़ी जोठारे क्रियापद न थाए क्रियाहीन रूढ़ी क्रियाजुक्त रूढ़ी जोठारे क्रियापद रही थाए ताहाकु कहा जाए क्रियाजुक्त रूढ़ी। तुलनात्मक रूढ़ी अर्थात गोटे शब्द सहित अन्य शब्द को जिते बड़े तुलनात्मक उपमावाचक शब्द दी तुलना करुचे से क्या तुलनात्मक रूढ़ी। तेज आसतु कतोटे उदाहरण नहीं सरलतार सह बुझा क्रियाहीन रूढ़ीर कतोटे उदाहरण अंधर लौड़ी अर्थ असहायर सहाय अंधर लौड़ी श्रवण कुमार वृद्ध पितामाता अंधर लौड़ी थे अर्थात असहायर सहाय थे जितेबले छोट पाने बापा माँ मैंने बुढ़ा बुढ़ी हो जाते बड़े छोट छोट पाने से असहायर सहाय हूँ सेठा रूढ़ी प्रयोग कर कौन ना अंधर लौड़ी जहाँकि गोटे क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण। द्वितीय अहिनकूल संपर्क मान कौन घोर शत्रुता कहा जाए नहीं कि दुई भाई मध्य अहिनकूल संपर्क रही अर्थात एठारे अहि नकुल दुई प्रकार सर्प संपर्क से मानते अलग अलग एठारे गोटे गोटे शब्द भिन्न भिन्न अर्थ प्रकाश करुले से दुई तीन टी शब्द सहतिर मिश्रण से जो नूतन अर्थ सृष्टि होगा रूढ़ी अहिनकूल संपर्क अर्थात भाई भाई मध्य अहिनकूल संपर्क अच्छे अर्थात घोर शत्रुता अच्छी गोटे भाई को देखिले अन्य भाई सही पारुनि ता विरुद्ध विभिन्न प्रकार मान मकदमा केस बाड़ी करुच्छी बुझिपार क्रियाहीन रूढ़ी अहिनकूल संपर्क गोटे उदाहरण। अन्यटी कौन ना अलणा कथा गाँ गहली साधारण बुढ़ा बुढ़ी मौसी मैंने मौस मैंने कहार आप शुणी जे तू ये अलणा कथा गुड़ा मो आगे कहना अलणा कथा कौन ना मूल्यहीन कथा अर्थात जो कथा किसी मूल्य न थाए ताहा को कहा जाए अलणा कथा। उदाहरण तांकर से अलणा कथा शुणा को मोर बेल ना अर्थात जो प्रकार मूल्यहीन कथा गुड़िक मो आगे कहते शुणा को मो पाखे समय ना ये अलणा कथा। अकल गुड़ुम बुद्धि बणा हवा ओकिल बाबू मिछ कहुतबा साक्षी को प्रश्न पचारि पचारि तार अकल गुड़ुम करदे अर्थात बुद्धि बणा होइजिबा बुद्धि अदृश्य होइजिबा एभली केतोटी परिस्थिति सृष्टि हे जोठी कि मुंडे कि बुद्धि पशिब ना यह हूँ साधारण भाषा किंतु जदि ताहाकु आमे रूढ़ी भाषा कहिबा ताले कौन हम ना अकल गुड़ुम होइजिबा हम क्रियाहीन रूढ़ीर गोटे उदाहरण। अल्प विद्या भयंकरी अल्प विद्या भयंकरी अल्प विद्या भयंकरी एठारे क्रिया किछि नाही तेणु यह मध्य होची गोटे क्रियाहीन रूढ़ी अल्प ज्ञान जो अपदस्त होबा हेउची यार उदाहरण। उदाहरण स्वरूप स्पंदन सबुठी निजर आत्मबड़ीमा देखाई स्पंदन सबुठी निजर आत्मबड़ीमा देखाई शेषे अपदस्त होची कथारे अच्छी परा अल्प विद्या भयंकरी। बुझीगला ना तेणु अल्प ज्ञान को जाणी जी समस्त आगे अधिक निजर
प्रभाव विस्तार करने इच्छा प्रकाश करें स्वल्प विद्या बल में अधिक ज्ञान मुझे बोली अन्य आगे प्रकट करने को चेष्टा करें रूढ़ी आकार में कहुए अल्प विद्या भयंकरी। एटारे आम मुख्य मुख्य जो जो रूढ़ी विगत वर्ष मानक परीक्षा पढ़ी आसी एवं आगको पढ़िबार मध्य जथेष्ट संभावना रही केवल से ही रूढ़ी को आम पढ़ा तार उदाहरण नवा तार अर्थ संपर्क में अवगत हवा ए घर मौसी से घर पिउसी अर्थ कौन ना एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठे भल हुए अर्थात ए घरे कौन खराब जिनस अच्छी ताकू शुणी नब ए घरे कौन खराब जिनस अच्छी ताकू मन में जाणी नब ए घर जो सब गुप्त कथा ताकू आसी से घरे कह ए घर जो सब गुप्त कथा ताकू आसी से घरे कह अर्थात ए घर मौसी भाव कार्य कला से घर पिउसी भाव कार्य कला किंतु उभय घर विनाशर कारण से ही हला या कहुए कौन ना ए घर मौसी से घर पिउसी। उदाहरण स्वरूप चंपा नानी कथा को मोटे विश्वास करना से परा ए घर मौसी से घर पिउसी अर्थात से मानक भितरे से मानक कथा को कहीं मत विश्वास करती ना साधारणतः एपट सेपट छिद्र कही जे सबुठे भले हुए रूढ़ी भाषा कहुए ए घर मौसी से घर पिउसी। नेक्स्ट कौन ना ओलियारु गजा कौन ना जन्मरु चतुर बा सियाणिया से तो ओलियारु गजा ताकू शिखेबा कौन अर्थात से तो पिला बेलु चालाक ताकू अब आम कौन शिखेबा बुझीला ना तेणु ओलियारु गजा शब्दर अर्थ होची जन्मरु चतुर बा सियाणिया जाकी मध्य गोटे क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण काठिकर पाठ कष्टसाध्य बजार जर जेमिति हेलाणी अल्प रोजगार रे चलिबा काठिकर पाठ अर्थात अत्यंत कष्टसाध्य जो विषय अत्यंत कष्ट लगे से पढ़ा क्षेत्र में हो चलनी क्षेत्र में हो अर्थ क्षेत्र में हो कार्य क्षेत्र में हो ताको रूढ़ी भाषा कहुए काठिकर पाठ अर्थात कष्टसाध्य ये मध्य हूँ गोटे क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण कुंभीर कांदना अर्थात छलना उपरे ठाउरिया सहानुभूति कुंभीर कांदना अर्थात कौन कुंभीर एटी आसी कौन कांदुचि कि ना ना सेपरी नुहे ये कुंभीर कांदनार अर्थ छलना करिबा उपर ठाउरिया सहानुभूति देखेबा उदाहरण कौन अच्छी ना तुमर कुंभीर कांदना मो उपरे कौनसी प्रभाव पकेबा नहीं अर्थात तुम्हें जो मिछ सहानुभूति देखाउछ तुम्हें जो मो प्रति छलना करुछ से छलनार प्रभाव मो उपरे किछि पड़िबा नहीं बंधु। तेबे अन्यटी कौन ना गोटे चाउल रे गढ़ा जहाँकि आम विगत आलोचना करिछे ना कौन ना अति सुंदर गोबर गणेश माने कौन निर्बोध बा मूर्ख निर्बोध बा मूर्ख एबे भी समाज रे साधारण हिसाब किताब जानी नथिबा अनेक गोबर गणेश अछंती अर्थात जो माने कि वर्तमान रो जो आग को बढ़िबा कौन टेक्नोलोजी रे संपूर्ण जो इंग्रजी रे जो कहते कि टेक्नोलोजी रे संपूर्ण समाज रही से समाज जब आमको गणवा पढ़ा लिखा इत्यादि न आसे तेब आम गोबर गणेश हो जा अर्थात संपूर्ण भाव में मूर्ख हो जा निर्बोध हो जा तेणु यह रूढ़ी भाषा कहुए गोबर गणेश जहाँकि गोटे क्रियाहीन रूढ़ीर उदाहरण। अन्यटी घर ढिंकी कुंभीर जहाँकि भेरी भेरी गुरुत्वपूर्ण भेरी भेरी इंपोर्टेंट हाबाक जाउछि आपणकर एसे टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु घर ढिंकी कुंभीर अर्थात निजर लोक शत्रु माने यार अर्थ अलग घर ढिंकी अर्थात घरे जो कुटापी ढिंकी अच्छी सी कौन कुंभीर यार शब्दर अर्थ कौन एया ना शब्दर अर्थ निजस्व अर्थ थिले हे केते गोटी शब्द सहित मिसी जो नूतन अर्थ प्रकाश करे ताकू कह जाए रूढ़ी तेणु यह हूँ गोटे रूढ़ी कौन ना घर ढिंकी कुंभीर अर्थात निजर लोक शत्रु तांको भाई 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 तांको पतनर कारण घर ढिंकी कुंभीर हेले से कहाकू देश देबे अर्थात निजर लोक जदि आपणकर क्षति साधन करिवे ताले आपण कहिबे बे काहाकू मने कर आपण छात उपरे सुकेई जाइछंती गहम आपण निजर पड़सा घर गोटे छुआ को कहिले बा निजर घर कौन से गोटे व्यक्ति को कहिले जे मो गहम गुड़ाक जगी थाओ किंतु सी जदि से गहम गुड़ाक नहीं बाहर बिकी पैसा आनी जलखिया खाईदेला
ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଘର ଢିଙ୍କି ହେଲା କୁମ୍ଭୀର, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଲୋକ ହେଲା ଶତ୍ରୁ, ନିଜର ଲୋକ ହେଲା ଭୟଙ୍କରୀ। ଏହି ଉକ୍ତିର ଏହି ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଜପାମାଳି ଅତି ପ୍ରିୟ, ନାତିଟି ଅଜାଙ୍କର ଜପାମାଳି ହୋଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜପାମାଳିରେ ଯେଭଳି ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସେହି ନାମକୁ ବାରମ୍ବାର 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 ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥାଏ ଜପାମାଳିରେ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ମଉସା ମାଉସୀମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ, ନିଜ ନାତି ନାତୁଣୀମାନଙ୍କର ନାଁକୁ ବାରମ୍ବାର ଘୁଷି ଚାଲିଥାନ୍ତି, କିଭଳି ନା ଜପାମାଳି ଭଳି। ତେଣୁ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଜପାମାଳିର ଅର୍ଥ ଅତି ପ୍ରିୟ, ଯାହାକି ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ'ଣ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ ଘଟଣାରୁ ବିରାଟ କାଣ୍ଡ ବା ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୂତ୍ରପାତ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷୟ କିଛି ନଥିବ, ବିଷୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଷୟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମହାଭାରତ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ, ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ଯେତେବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପିଲା କଳିରୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି, ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ ସୃଷ୍ଟି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ କଳିରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ଅନ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ମାରିଲା, ତା ବାପା ଆସି ତା ବାପାକୁ ମାରିଲା, ପୁଣି ଚାଲିଲା ସେମାନଙ୍କ କେସ୍ ପୋଲିସ ପାଖକୁ, ପୋଲିସରୁ କୋର୍ଟ ଫଟବାଟ ହେଲା, ସେମାନେ ଜେଲ୍ ଗଲେ। ଏଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରୁ ଯେଭଳି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ ଝିମିଟି ଖେଳରୁ ମହାଭାରତ। ବୁଝିହେଲା, ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଏହା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏସ୍ଏ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ। କ'ଣ ନା ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିପଦର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଅଧିକ ଆସିଥାଏ ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଧିକ ବିପଦ, ତାକୁ ସର୍ବଦା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତଳକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି ନା ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାହା ଘଟିବ ସମସ୍ତେ ତତେ ଦାୟୀ କରିବେ, କାରଣ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ମୁଖ୍ୟ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ବି ଟିକିଏ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ହିଁ ଆସିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଡେଙ୍ଗା, ଯିଏ ବଡ଼ ଲୋକ, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ, ତା ମୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଠେଙ୍ଗା ବାଜିବ। ତେଣୁ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କୁହାଗଲା ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା। ବୁଝିହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଛି ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍। ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତା'ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟବାଧକତା କରିବା, ବାଧ୍ୟ କରିବା। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ମୁଁ ତ ଏ କାମ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ବାରମ୍ବାର କହିଲି, ମୋତେ ବାପରାଣା ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍ କଥା କହୁଛ କାହିଁକି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ଏଇ କାମଟି ମୁଁ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ବାଧ୍ୟ କଲ। ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ରୂଢ଼ିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ସାଧାରଣ ଭାଷାକୁ କିଭଳି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ସୁଗମ, ମନୋରଞ୍ଜିତ କରିହେବ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବାପରାଣ ଢିଙ୍କି ଗିଲ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁଁ ଏ କାମଟି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୋଇବା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଏଇଆ ନା ନା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନ ହୋଇ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଂରାଜୀରେ କୁହନ୍ତିନି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଆଗରୁ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ପରୀକ୍ଷା ବେଳେ ବହି କିଣା, ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ ସହିତ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ପରୀକ୍ଷା ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କାଲି, ଆପଣ କିଣୁଛନ୍ତି ଆଜି ବହି, ତେବେ ଏହାକୁ ଆମେ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କ'ଣ କହିବା ନା ବାହାଘର ବେଳେ ବାଇଗଣ ରୁଆ କରୁଛୁ କି। ବୁଝିହେଲା, ତେବେ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ନା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି। ଉକ୍ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆସିଲେ ସେସବୁ ହେଉଛି କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ିର ଉଦାହରଣ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବା କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି କ୍ରିୟାପଦ ରହିଛି। ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଅନ୍ଧାରକୁ ଟେକା ପକାଇବା, ଏହାର ପ୍ରକୃତ ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ଧାର ସ୍ଥାନକୁ ଟେକା ପକାଇବା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଏହା କି, ସେଥିପାଇଁ ତ ରୂଢ଼ିର ସଂଜ୍ଞାରେ କୁହାଯାଇଛି ନା କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି
पद गोटे गोटे शब्द निजस्व अर्थ को छाड़ी अन्य पद मानक सहित मिसी जो नूतन अर्थ प्रकाश करती ताहा को कह जाए रूढ़ी। तेणु एठारे आर अर्थ होची अनुमान करिबा, अंधार किंबा टेका पकेबार अर्थ तो नुहे अनुमान करिबा, किंतु जेतेबेले ई दुईटी शब्द मिश्रण हो जाउछंती सेतेबेले आर अर्थ हो जाउछी कोन ना अनुमान करिबा। उदाहरण स्वरूप प्रकृत पाठ न जाने अंधार को टेका पकेबा भली उत्तर देबारु शिक्षक धीरेन्द्र उपरे रागिले। अर्थात अनुमान करी जे कोनसी विषय कहिबा भूल जिनिष अटे, अनेक समय रे या भूल दिगक मध्ये प्रोत्साहित करिथाय जहाँकि आपण को भविष्य रे विभिन्न प्रकार खाल रे पकाइबार मध्ये संभावना रहिछि। परवर्ती होउछि आ बळद मते बिंध, आ बळद मते बिंध, अर्थात एठरे कोन आपण बळद को डाकुछन्ति कि मते मारिबा पई डाकुछन्ति कि ना ना, अर्थ यार या नुहे, यार प्रकृत अर्थ कोन ना विपद को डाकि आनिबा, अन्य देशर अपराधी को आम देश में स्थान देवा माने आ बलद मते बिंध सहित समान। जदि आपण अन्य देशर अपराधी को अन्य देशर जी चोर टस्कर रही निज देश जदि बलिष्ठ मनोभाव प्रदर्शन कर स्थान देवे ताले निश्चित भाव से आपण क्षति कर या कौन हो ना आ बलद मते बिंध भली घटना हो। परवर्ती अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कौन ना उसुना धान गजा हेबा, अर्थात असंभव संभव हेबा, उसुना धान तो केबे गजा हो पार ना किंतु असंभव संभव हेबा। तांको पुओटी व्याधिमुक्त हेलानी जे जान उसुना धान गजा हेला, अर्थात तांकर आशा नथिला जे तांको पुओटी व्याधिमुक्त हेब अर्थात रोगर आरोग्य हेब, किंतु से रोगर आरोग्य हेला। रूढ़ी भाषा या कौन कहले ना उसुना धान गजा हाबा, अर्थात जोड़ा असंभव लगुला सी असंभव कार्यटी आज संभव हो पारा, उसुना धान गजा हाला। कौन रही कलाकना बुलाइवा, कलाकना बुलाइवा अर्थात कौन गोटे कलाकना नहीं मटी उपर जोर जोर से बुलाइवा, यार अर्थ कौन आया ना यार प्रकृत अर्थ हो सर्वस्व लुटिने अर्थात सर्वनाश करवा। चोर माने गत राति जमीदार घर समस्त जिनिष लुटी नहीं कलाकना बुले अर्थात जमीदार घर को चोर माने काल रात गले सबू जिनिष नहीं आसे कलाकना बुलेदे अर्थात तार सर्वनाश करदे सर्वस्व लुटी ने से जमीदार बर्तमान भिकारी हो गला कलाकना बुलेदे किए ना चोर माने। ये हूँ क्रियाजुक्त रूढ़ी बुलाइवा, चून देवा, पड़जा, फाटवा, खोल कह गजहबा, चाहवा, ए सबुगुड़े क्रिया रही तेणु यह क्रियाजुक्त रूढ़ी बोली कहा जाए। अनेक गुरुत्वपूर्ण कौन ना कुहुड़ी पहरिया, कुहुड़ी पहरिया माने कौन वृथा परिश्रम बा वृथा प्रयास करिबा, जो प्रयास किछि मूल्य नहीं, जो प्रयास फल आमको आगामी भविष्य में केबे मध्य प्राप्त होबार कौन से प्रकार संभावना नहीं ताको कह जाए कुहुड़ी पहरिया बा वृथा परिश्रम करिबा। आजिकालिर नेता मानक कथारे विश्वास करिबा कुहुड़ी पहरिया सहित समान, अर्थात वृथारे परिश्रम करिबा ही सार हबो सिना आजिकालिर नेता माने कौनसी प्रकार कथार तांकर विश्वास करहेब ना, या कहुए रूढ़ी भाषा कुहुड़ी पहरिया। अन्यटी चलला सगड़े हाथ देवा, अर्थात अति दुष्टमी करवा, रानु अपार छुआ दीटा चलला सगड़े हाथ देवा पिला अर्थात अत्यंत दुष्ट बुझीगलाना। तेणु तिलकू ताल करिबा कौन छोट कथा को बड़ करिबा, दुष्ट लोक माने तिलकू ताल करी कलह करिथांती। यार अन्य एक रूढ़ी आपण दे परिबे जे कौन ना जीरा रो सीडा बाहर करिबा, यार अर्थ मध्य अत्यंत छोट कथा को नहीं विराट आकार रे परिणत करिबा। दुष्ट लोक माने तिलकू तार करी कलह करिथांती, जो मानकर किछि काम नहीं से माने तिलकू ताल करी विभिन्न प्रकार समस्या सृष्टि करिथांती बुझीगलाना। तेबे हाथ रे न मारी भात रे मारिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण, हाथ रे न मारी भात रे मारिबा अर्थात कौशल रे जीविका बा वृत्ति रे उच्छेद करिबा, अर्थात गोटिए जिनिसर सामना सामने न होई प्रच्छद पटर नायक भाव रे
ତାକୁ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ହଟେଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଜୀବିକା ତାର ଯେଉଁ ବୃତ୍ତି ରହିଛି ସେ ବୃତ୍ତିକୁ ତା ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ହାତରେ ମାରିନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭାତରେ ମାରିଦେଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ଭାତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲେ ଉଦାହରଣ କ'ଣ ନା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ନ ମାରି ଭାତରେ ମାରିବା ନୀତି ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ କାରଖାନାରେ ସବୁବେଳେ ଧର୍ମଘଟ ଲାଗି ରହିଛି ବୁଝିଗଲା ତ ତୃତୀୟଟି ହେଉଛି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପଢ଼ିଲେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢ଼ିବା ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପାରିଜନାଲି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଠି ଉପମା ବାଚକ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କିଛି ବୁଝୁ ନ ସୁଝୁ ସବୁବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରୁଥାଏ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ କେତେଗୋଟି ପିଲା ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଉଥିଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପାଠ ସେମାନଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କର ଗଭୀରତମ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଶୁ କିମ୍ବା ନ ପଶୁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ସର୍ବଦା ହଲାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ହିସାବରେ କ'ଣ ନା ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଦ୍ୱିତୀୟଟି କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ ଟଙ୍କା କେଇଟା ଲୋଭରେ ସେ କୁକୁର ପରି ଧାଉଁଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୁକୁର ସର୍ବଦା ଲୋଭିଆ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କୁକୁର ସର୍ବଦା ଲୋଭ କରିଥାଏ ତେଣୁ କୁକୁର ଭଳି ଯଦି ଆମେ ଧାଇଁବା ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ଟଙ୍କା କେଇଟା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇବାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କୁକୁର ପରି ଧାଇଁବା ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗି ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେବା ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ରାଗିଯାଇ ସେ ସାପ ପରି ଫଁ ଫଁ ହେଉଛି ବୁଝିଗଲା ନା ଶେଷଟି କ'ଣ ନା ଶୁଆ ପରି ଘୋଷିବା ଗୀତଟି ତା ମନକୁ ଏପରି ପାଇଛି ଯେ ଦିନ ରାତି ଶୁଆ ପରି ଘୋଷି ହେଉଛି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଗୀତ ହେଉ ଯଦି ଆମ ମନକୁ ଥରେ ପାଇଯାଇଛି ରାତିରେ ହେଉ ସକାଳେ ହେଉ ଶୋଇଲା ବେଳେ ହେଉ ଉଠିଲା ବେଳେ ହେଉ ଖାଇଲା ବେଳେ ହେଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଳେ ଆମର ସେ ଗୀତଟୁ ଚୋର ପାଟିରେ ହେଉ କିମ୍ବା ମନେ ମନେ ହେଉ ଆମେ ଦୁଇ ଚାରି ଦିନ ତାକୁ ଗୁଣୁଗୁଣାଉଥାଉ ତେଣୁ ଏହାକୁ ରୂଢ଼ି ଭାଷାରେ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ଶୁଆ ପରି ଘୋଷି ହେବା ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଏବଂ ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ବୁଝିଲେ ନା କ'ଣ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସହ ମିଶି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦାହରଣ ଯେମିତି ଆମକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ଗଢ଼ା ତିନୋଟି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସୁନ୍ଦର ଚାଉଳର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଗୋଟିଏର ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ ଗଢ଼ାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଯାକ ଶବ୍ଦ ଏକାଠି ମିଶି ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଅତି ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଶବ୍ଦ ନିଜସ୍ୱ ଅର୍ଥ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ନୂତନ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ରୂଢ଼ି ଏହି ରୂଢ଼ିକୁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ତିନିଗୋଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରିୟାପଦ ରହିଥିଲେ କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କ୍ରିୟାପଦ ନ ରହିଲେ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଥିସହିତ ଆମେ ସଫଳତାର ସମାପନ କଲେ ଆଜିର ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂଢ଼ି ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଥିବ ଉକ୍ତ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ତେବେ ମିଶିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନମସ୍କାର ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ